अभी आपने कहा कि मुसलमान आंदोलन में उतर रहे हैं, तो आंदोलन में तो हर जाति के हर धर्म के लोग उतर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों को सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है इसके? नहीं, मुसलमान आंदोलन में उतर रहे हैं मैंने कोई नेगेटिव शब्द से नहीं बताया है। मुसलमान आंदोलन में उतर सकता है, मगर लोगों के सामने इस तरह की एक चित्र लाने का कोशिश अपनी सरकार और सरकार के बड़े बड़े नेते लोग कर रहा है। जैसे आपको मालूम है कि जामिया मिलिया के अंदर जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद अपनी राज्य के अपने देश के प्रधानमंत्री जो है एकदम शर्मनायक एक बात उन्होंने उठाया था। उन्होंने बताया कि उनके कपड़े देखेगा तो समझ में आता है कि ये कौन से मज़हब के कौन लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। तो इस तरह की जो गलत बातमी जो दे रहा है, इसे साबित होता है कि हमारा कहना ऐसा नहीं, हमारा कहना है कि ये सभी तरह का लोगों को, भारत देश की आबादी बहुत बड़ी है और जब देश के अंदर की एक नागरिकता को तय करने वाली कानून बदल रहा है तो सबकी भागीदारी इसके अंदर होना ज़रूरी है। हाँ ना जो भी है उनका भी भागीदारी होना ज़रूरी है। अगर मालूमात नहीं है इसलिए वो भाग नहीं ले रहा है तो उनको मालूमात देना और इस आंदोलन के अंदर उनको भी उतारना हमारी जिम्मेदारी। हम अभी जामिया नगर में गोली चलाई गई तो वहाँ पर लोगों ने कहा, ये नारा लगा था कि आपकी गोलियाँ कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे, तो उस पर भाजपा के नेता संगीत सोम ने कहा है कि आप जूते भी खाएंगे और आप गाली भी खाएंगे और आप कागज़ भी दिखाएंगे, तो आप इस बारे में कुछ कहेंगे? इस तरह की नफ़रत की कहानियां जो है वो बीजेपी तो हर दो दिन में कह रहा है, जबकि वो भूल रहा है ये सब लोग जो है वो मंत्री है, विधायक है, आमदार है, खासदार है, ऐसे जो रेस्पॉन्सिबल जगह पर बैठे हुए लोग, पद पर बैठे हुए लोग जो है इस तरह की थर्ड रेट गुंडे की तरह जो बातमी निकाल रहा है, ये बातमी निकालने वाले समझिए कि हम अगर उनकी इरादा पक्के हैं तो हमारी वो चाहे जामिया मिलिया का हो, जेएनयू का हो या पूरे देश का हो, कोई भी भाग का हो, हमारी इरादा कभी पक्का है। कागज़ हम नहीं दिखाएंगे, ये अगर हमने बताया है तो हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। आपका यूथ मार्च है मैम 16 फरवरी का, तो ये आप कहाँ से लेकर कहाँ तक आप करेंगे? ये उरन से फरवरी 16 तारीख को उरन की बीपीसीएल की जो टर्मिनल है वो टर्मिनल के सामने से शुरू होकर चैत्य भूमि में ख़त्म होने वाला है मुंबई की। ये एक सिंबॉलिक हमने ऐसा किया है कि इस देश की संपत्ति को बेच डाल रहा है, उसमें सबसे ताज़ा उदाहरण जो हमारे सामने है वो बीपीसीएल का है, तो वो बीपीसीएल से शुरू होंगे और अपनी देश की जो संविधान को तोड़ने का काम जो है वो सरकार कर रहे हैं, उसको बदलने की काम जो है, बदलने का मतलब बिना बोल के या बिना कोई तरीके से बदलने का काम जो है वो सरकार कर रहा है, उसके भी खिलाफ़ जो एक हमारा बात जो है वो करने के लिए हमने ये बीपीसीएल टर्मिनल से यहाँ तक है सामने। तो आपकी मेन मुद्दे या मेन मांग क्या है सरकार से? मेन मांग में एक पहला मांग ये है कि हम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि अपने जो महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है वो सीए के खिलाफ जो है सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ अपने असेंबली के अंदर एक ठहराव लाना है, एक प्रस्ताव लाना है और उसको पारित करना है। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि वो एनआरसी नहीं करेंगे, लेकिन मांग तो हम बोलने दो जी। मांग तो हम बोलने दो, उसके बाद आप चीज़ नो प्रॉब्लम। एनआरसी के खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी बात भी दी है, मगर एनपीआर अगर चालू होगा इस देश के इस राज्य के अंदर तो फिर एनआरसी अपने आप आ जाएगा, ऐसी समझ हमको ही पूरे पढ़ने के बाद हो रहा है। तो एनपीआर की प्रक्रिया जो है इस स्टेट के अंदर चालू कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, ये भी हमारा दूसरा मांग है। बेरोजगार है नौजवान, अपने गाँवों में अपने शहरों में महामारी की तरह फैल रहा है ये बेरोजगारी, उसको तुरंत रोकना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बेरोजगारी को रोकने की जिम्मेदारी से सरकार पीछे हट नहीं सकता है, ये हमारी उनके सामने कहना है। पिछले राज्य सरकार ने शुरू करके रखा हुआ एक जीआर है जो ये कहते हैं कि नौकर भर्ती में बंदी है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो जीआर आप वापस ले लीजिए और इस राज्य के अंदर के नौजवानों की इज्जत से जीने का अधिकार है उसको आप सलाम कीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए। जो बड़ा मेगा भर्ती की बात कहते हुए पूरे नौजवानों को उल्लू बना के गया है, वो मेगा भर्ती का असली रूप में जो है ये सरकार करना चाहिए, ऐसा हमारे जो मांग है उनके सामने है। तीसरी मांग जो है शिक्षण के मुद्दे पर है, अपने राज्य के अंदर लगभग पूरे शिक्षण जो है वो खासगी क्षेत्र में होते जा रहा है, इसके विरोध में है। सरकारी स्कूल शालाएं जो है वो आप कायम रखिए और उसको बेहतर करने का जो भी आपको स्टेप्स लेना है वो स्टेप तुरंत और ताबड़तोब ले लीजिए। ये साल की जो आती की एडमिशन है जो प्राइवेट स्कूल में हो रहा है वो ढंग से और प्रॉपरली होना चाहिए, किसी भी तरह का बाधा जो है जिस तरीके से पिछले 5 साल में आती की एडमिशन यहाँ पर हो रहा है उस तरीके से नहीं होना चाहिए।
बच्चों को जो एडमिशन ले लिखे हुए पेरेंट्स जा रहे हैं उनको रस्ते में उतरकर पुलिस की लाठी खाने का हालत जो है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे सरकार के सामने एक अलग मांग है। मुसलमान नौजवानों की अवस्था और ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उनको कई सारे खासगी क्षेत्र के अंदर नौकरी मिलती ही नहीं है। तो ऐसी जो लोग हैं जिनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स काफ़ी मौजूद है मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के तहत, उसको मुसलमान बहुल इलाकों के अंदर जो है आप जाहिर कीजिए और उनको वो प्राप्त करने का सहूलियत जो है वो दे दीजिए। ये सब जो है बड़ी बड़ी मांग है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बड़े एडवर्टाइजमेंट के साथ जो आए थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना हम समझ रहे कि उसकी पूरी तरह तबाही अभी होने वाला है, उसमें जो पैसा है वो पैसा देने वाला नहीं है, जो जो लोगों को घर उन्होंने नोट किया है लिस्ट किया है उनको भी वो पैसा नहीं जाने वाला है, ये हमारी समझ है। और इसमें जो पीड़ित लोग हैं जिसको घर मिला है और अभी पैसा नहीं आ रहा है इस वजह से टोटली रस्ते में है, ऐसे जो कई सारे नौजवान इस मार्च के अंदर हमारे साथ चलने वाला है पूरे 125 किलोमीटर, ये भी बात हम कह रहे हैं। मतलब ये जो कानून है इसको लागू करना है, पूरी तौर पर लागू रखना है, इस तरह केंद्र सरकार को ये बात जो है यहाँ की राज्य सरकार लेके जाना चाहिए, ये भी हमारा मांग है। थैंक यू।